नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रभात रंजन और मैं आप लोगों के सामने लेके आ गया हूँ यूपी पीसीएस टारगेट 2024 प्रीलिम्स के लिए स्टडी वीडियो, जो कि इस चैनल इंटेलेक्चुअल क्वालिटी लर्निंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोग लेकर के आएंगे। और इसमें हम लोग विगत 2012 से लेकर के 2023 तक का प्रीवियस ईयर पेपर का एक्सप्लेनेशन आप लोगों के सामने लेकर के आएंगे। तो ये सब स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक कोट की ओर देखते हैं, और ये कोट आप सब जुहारू स्टूडेंट के लिए है। यह है, विद्यार्थियों के मन में प्रथम भाव ज्ञान के प्रति समर्पण का होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान के सहारे ही मानव जग में ख्याति कमाता है। और ये कोट्स कहीं ना कहीं हमारे विद्यार्थी जीवन में भी चरितार्थ होता है, और विद्यार्थियों के मन में ये प्रथम भाव ज्ञान के प्रति समर्पण का ही होना चाहिए। और चलिए, इस कोट्स के सहारे हम लोग आगे फिर यूपी पीसीएस स्ट्रेटजी के ऊपर आते हैं। ये यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का पेपर जो है, इसका टेंटेटिव डेट है 21 जुलाई 2024 को। हालांकि ऑफिशियली अभी कुछ आया नहीं है, सिर्फ ये एग्जामिनेशन का मंथ दे दिया गया है जो ये जुलाई के मंथ में होगा। तो ये यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का, इसमें दो पेपर होता है, एक होता है GS1 और एक GS2। GS2 को जनरली हम लोग सीसी का पेपर भी बोलते हैं, जो कि एक क्वालिफाइंग नेचर का होता है। GS2 क्वालिफाइंग नेचर का होता है, और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होता है वो 100 के आसपास होता है, 100 क्वेश्चन होता है। और ये एक GS1 जो पेपर होता है हमारा, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन होता है 150। 150 कहने का मतलब है जो GS से ही सारा क्वेश्चन रहेगा 150। जैसे इसमें आ जाएगा आपका हिस्ट्री का, ये आपका हिस्ट्री का आ जाएगा, साइंस एंड टेक का आ जाएगा, ज्योग्राफी का आ जाएगा, पॉलिटी एंड गवर्नेंस का आ जाएगा, करंट अफेयर्स आ जाएगा, यूपी स्पेशल आ जाएगा, और इकोनॉमी आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं साइंस एंड टेक के ऊपर। तो साइंस एंड टेक में जो ट्रेडिशनल साइंस का पेपर होता है, ट्रेडिशनल, वो भी आता है और टेक भी आता है। टेक कहने का मतलब ये हुआ जो हमारे दैनिक जीवन में जो घटना घट रहा है, ठीक है, और जो जितना भी इन्वेंशन हो रहा है साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, ये सारे क्वेश्चन को साइंस एंड टेक में रखा जाता है। इसका नंबर ऑफ क्वेश्चन साइंस और टेक का किसी ईयर 15 क्वेश्चन आता है, और किसी ईयर 25 तक आता है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं हिस्ट्री का। तो हिस्ट्री में क्वेश्चन कभी कभी 25 से लेकर के 30 तक पूछा गया है, और कभी कभी ये आपका 15 क्वेश्चन ही आ रहा है। तो इस 15 क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे तो इसमें एक होता है एंशियंट हिस्ट्री, एक होता है मेडाइवल हिस्ट्री, और एक आपका होगा मॉडर्न हिस्ट्री। तो एंशियंट से 3 से 4 क्वेश्चन, मेडाइवल से भी 3 से 4 क्वेश्चन, और मॉडर्न से 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिस्ट्री में। और हम लोग अगर आएंगे ज्योग्राफी के ऊपर, तो ज्योग्राफी के ऊपर अगर हम लोग आते हैं तो ज्योग्राफी के सेक्शन में, ज्योग्राफी के सेक्शन में यहाँ पर 15 से 20 क्वेश्चन जनरली पूछे जा रहे हैं। ये इसका बेस होता है एनसीईआरटी, 6 से लेकर के 10 तक के एनसीईआरटी के बेस्ड के ऊपर इसमें क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे ज्योग्राफी में जनरली रिवर्स से क्वेश्चन आता है, लेक्स के ऊपर क्वेश्चन आता है, और ये आपका टेरिटरी, ज्योग्राफिकल पॉइंट
पॉलिटिकल और इन्वायरमेंटल के ऊपर क्वेश्चन आता है। इसमें ज्योग्राफी में हम इन्वायरमेंट का सेक्शन भी ऐड करते हैं। अगर हम ज्योग्राफी में इन्वायरमेंट का भी सेक्शन अगर हम ऐड करते हैं तो ये क्वेश्चन की संख्या जो है 30 to 35 पहुंच जाता है। चूंकि यूपीसीएस का ये जो ट्रेंड रहा है अब तक का, इसमें दोनों मिला करके क्वेश्चन आते हैं, ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट दोनों मिला करके। पॉलिटी और गवर्नेंस में क्वेश्चन जनरली जो पूछे जाते हैं वो आपका 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो फिक्स है। और ये सारा क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर के ट्रेंड के हिसाब से अगर हम देखें तो ये कॉन्स्टिट्यूशन से ज्यादा, आर्टिकल से, डीपीएसपी से, फंडामेंटल राइट से, और प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट्री सिस्टम से ज्यादा क्वेश्चन को पिकअप किया गया है। अब हम लोग आ जाते हैं करंट अफेयर्स के ऊपर। तो करंट अफेयर्स का जो ये सेक्शन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि करंट अफेयर्स से यूपीपीसीएस में एक अच्छा वेटेज माना जाता है। जैसे कि हम करंट अफेयर्स के सेक्शन में हम आएंगे तो यहाँ पर लगभग 35 to 37 क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स में। जैसे करंट अफेयर्स का जो टॉपिक है ये आपका टॉपिक, ये जैसे अवार्ड से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बुक से आते हैं, इसरो डीआरडीओ से आते हैं, नासा से आते हैं, जैसे बहुत सारा गवर्नमेंट का जो स्कीम होता है उससे भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है। जैसे प्लेसेस इन न्यूज है उससे बहुत सारा, जो मिलिट्री और नेवी एक्सरसाइज होता है इससे आता है, और इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट हो गया ये आपका नीति आयोग हो गया, और नीति आयोग के द्वारा जो बहुत सारा रिपोर्ट जारी किया जाता है उससे भी क्वेश्चन इस एग्जाम में आता है। और इंटरनेशनल इंडाइसेस से भी आता है, जैसे बहुत सारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो गया, OECD हो गया, या फिर ILO हो गया, ये जो अपने रिपोर्ट निकालते हैं उससे भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है। और यहाँ पर एक यूपी स्पेशल भी होता है, ठीक है, यूपी स्पेशल करंट अफेयर से भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स का ज्यादा यहाँ पर वेटेज है नहीं। और यूपी स्पेशल की बात अगर हम करेंगे तो इस सेक्शन में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, उसके बाद स्कीम्स, यूपी गवर्नमेंट का स्कीम, और यूपी करंट अफेयर्स, इससे 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। और फिर अगर हम इकोनॉमी की बात अगर करेंगे तो इकोनॉमी में जितने भी क्वेश्चन होते हैं सारे करंट अफेयर्स नेचर्स के होते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चन करंट अफेयर्स बेस्ड ही होते हैं। करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका क्या आएगा, यूपी इंडिया दोनों का बजट और इकोनॉमी सर्वे, इससे ज्यादा क्वेश्चन आता है। और ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स से 3 से 4 क्वेश्चन, टोटल इकोनॉमिक्स में 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ पर हम लोग और भी सब्जेक्ट के ऊपर बात तो करेंगे, जैसे इन्वायरमेंट के बारे में आप बता चुके हैं, इसका भी वेटेज 15 से 17 क्वेश्चन के आसपास में रहता है। और 2023 में तो
अगर हम ज्योग्राफी को मिला दें और इन्वायरमेंट को मिला दें अगर हम, तो ये 37 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि एक अच्छा वेटेज माना जा सकता है। और इसका जो बेस है वो आप प्रिपेयर्ड कर सकते हैं शंकर आईएएस के बुक से, शंकर आईएएस के बुक से प्रिपेयर्ड कर सकते हैं। इसमें क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होता है, रिपीट होता है क्वेश्चन बहुत ज्यादा। जैसे किसी साल पूछ लिया गया था फास्फोरस साइक्लिन, तो किसी साल पूछ लिया जाएगा नाइट्रोजन साइक्लिन, किसी साल कार्बन साइकिल के ऊपर क्वेश्चन, इसी तरह का क्वेश्चन इसमें आता है। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का जो रिपोर्ट आता है वो भी यहाँ पर पुट किया जाता है। और जितना भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर, जितना भी क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, अर्थ समिट हो गया, पेरिस क्लाइमेट चेंज हो गया, इस सब चीज के ऊपर एनवायरनमेंट के सेक्शन में क्वेश्चन पूछा जाता रहा। और अगर हम बात करें यहाँ पर मिसलेनियस में, तो मिसलेनियस का सेक्शन वैसे डिफाइंड नहीं है, लेकिन इसमें कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है। इसका जो वेटेज होता है 15 क्वेश्चन के आसपास। इसमें आपका यूपी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, कुछ स्टेट्स मतलब अदर स्टेट्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर कोई प्लेस के बारे में पूछ सकता है, यूपी का भी प्लेस के बारे में पूछ सकता है, जो ये कहाँ कहाँ से सिचुएटेड है, फेयर के बारे में पूछ सकता है, मेला के बारे में। तो यही सब इसका सेक्शन है। और मैं आपको इस चैनल के माध्यम से प्रीवियस ईयर पेपर्स का एनालिसिस ऐसे करवाऊंगा जो आप को स्टेटिक के साथ साथ करंट अफेयर्स भी मैं प्रिपेयर करवाते हूँ चलूंगा, साथ साथ बजट और इकोनॉमिक सर्वे भी। और एक्सप्लेनेशन इतना बेहतरीन होगा जो आप लोगों को, क्योंकि यूपी पीसीएस में हम लोग ये जानते हैं कि यहाँ क्वेश्चन 30 से 35 क्वेश्चन रिपीट होता है, तो रिपीटेड क्वेश्चन तो कम से कम प्रीवियस ईयर पेपर कर लेने के बाद तो हो ही जाएगा। और एक्स्ट्रा में भी हम लोग ऐसे तैयार करेंगे, कम से कम 90 क्वेश्चन के आसपास आपका यहीं से कवर हो जाए। वो मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर के डिस्कशन में ही वो सारा एक्सप्लेन कर दूंगा। और GS2 की बात करें तो ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, क्वालिफाइंग नेचर का होता है। और इसमें हिंदी के क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं, मैथ्स के आते हैं, रीजनिंग और डिसीजन मेकिंग के आते हैं, और कम्युनिकेशन जिसको हम लोग हिंदी में संप्रेषण बोलते हैं, संप्रेषण। तो हिंदी का जो सेक्शन है, हिंदी में आते हैं 20 क्वेश्चन। हिंदी में कितने क्वेश्चन आते हैं? 20। इंग्लिश में 12 12 क्वेश्चन के आसपास आते हैं, और मैथ्स में क्वेश्चन 20 के आसपास, और रीजनिंग में भी 20 के आसपास, और कम्युनिकेशन में आपका क्वेश्चन 18 क्वेश्चन के आसपास, और ये आपका एक डिसीजन मेकिंग वाला पार्ट जो है इसमें 15 क्वेश्चन के आसपास आता है। तो ये है आपका GS2। इसमें स्टूडेंट को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि ये क्वालिफाइंग नेचर का है, और ये आपका हिंदी, जितने भी बिहार के लोग हैं सबका हिंदी अच्छा ही रहता है, और इंग्लिश जनरली लोग 5 से 7 क्वेश्चन बना ही लेते हैं, और जो भी अच्छे लड़के होते हैं उसको मैथ्स और रीजनिंग में कोई प्रॉब्लम होता नहीं है, और लोग आसानी से मतलब इसको क्वालिफाई कर जाते हैं। तो हमको नहीं लगता है जो इस GS2 या CSET वाले पेपर में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगा। आप लोगों के साथ मेहनत हम भी करेंगे और आप लोगों को भी करना होगा। जैसे लेबोरियस तो सभी होते हैं, लेकिन जो स्मार्ट लेबोरियस होता है वही लाइफ में सक्सेस पा लेता है। एक कोट आप लोगों के सामने ये है, कठिन परिश्रम ही मानव को महामानव बनाता है, कठिन परिश्रम ही मानव को सद्मार्ग दिखाता है।
तो हम और आप दोनों मिलकर के कठिन परिश्रम करेंगे और यूपी प्रीलिम्स का जो हमारा टारगेट है 2024 का, ये हम लोग जरूर पूरा करेंगे। और थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग आवर चैनल इंटेलेक्चुअल क्वालिटी लर्निंग अलॉट। थैंक्स अ लॉट।